उसी प्रकार शौनक जी महाराज बैठे, सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि हे भगवान, कोई ऐसी दिव्य कथा हमें सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से हमारे अज्ञान रूपी तिमिर का नाश हो जाए, ध्वंस हो जाए। शौनक जी के इस प्रश्न से सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उनकी जिज्ञासुता को देख करके अति प्रसन्नता हुई और बोलने लगे कि हे शौनक जी, आपने लोक कल्याण का प्रश्न किया, कभी भी संतों के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, तो ऐसा नहीं कि हम हमारी स्वार्थ की ही बातें करें। आजकल ऐसा होता है, बाप जी मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, बाप जी मुझे ये दुख है, बाप जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब स्वयं की प्रॉब्लम बताने में व्यक्ति बड़ा निपुण है, लेकिन जब तक व्यक्ति के भाव में परमार्थ प्रवृत्ति का जन्म नहीं होगा तब तक वो किसी का उपकार नहीं कर सकता। भाव ये उत्पन्न करो कि मेरा स्वयं का भला नहीं, पहले मेरे भाई का भला हो, मेरे परिवार, मेरे बंधु बांधव, मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, समूचा जनमानस, सभी का कल्याण हो। तो शौनक जी महाराज ने स्वनिज कल्याण के लिए नहीं, सूत जी महाराज से जो जिज्ञासुता की वो लोक कल्याण की, विश्व कल्याण की, कि पूरे विश्व का कल्याण हो। जो लोग पाप ग्रसित हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, जो छल में जी रहे हैं, जिनके जीने की कोई कला ही नहीं है, जिनको जीवन जीना ही नहीं आता, जो अपने महत्व को नहीं जान पाए, जिन्होंने यही नहीं जाना कि मनुष्य जीवन क्या है, दुर्लभ हो मानुष होते ही हो, दै ही नाम क्षण भंगुरा, ये कोई मामूली नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः पुष्पम ततो विप्रता तस्मात वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्व वशमात परम आत्म अनात्म विवेचनो स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्कृति मुक्तिर्नौ शतकोटि जन्मसु कृते पुण्यर्विना न लभ्यते। तो आपके और हमारे कोई पुण्यों की प्रचुरता थी, जन्म जन्मांतर, कर्म कर्मांतर, गुण गुणांतर, युग युगांतर के अनेक जन्मों के पुण्य प्रबल हुए तब जाकर के हमें ये दिव्य मनुष्य जीवन मिला। ऐसी दिव्य देह और वो दिव्य देह प्राप्त करने के पश्चात भारत जैसी हो गई, मां भारती के चरणों में रहने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आप सौभाग्यशाली नहीं, अभी तो परम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली। बड़ी ही भाग्य मनुष्य बड़ी भाग्य
मानुष तंग बाबा। पूज्य बाबा तुलसीदास जी महाराज भी अपने रामायण में विरचित कर रहे हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तंग बाबा, आपकी बहुत बड़े भाग्य थे जो मनुष्य का जीवन मिला। सुर दुर्लभ, जिन देवी देवताओं की कथा को श्रवण करने के लिए हम और आप यहां एकत्र हुए, उन देवी देवताओं को भी ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सत ग्रंथ नहीं गावा, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि देवी देवताओं को जो दुर्लभ है वो आपको सुलभता से प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किया शौनक जी महाराज ने कि प्रभु ऐसी कोई दिव्य कथा सुनाइए, और वो ऐसी दिव्य कथा गणेश पुराण। स्वयं सूत जी महाराज बोले कि ऐसी दिव्य कथा गणेश पुराण है। बोले महाराज गणेश पुराण, गणेश पुराण भगवान विनायक तो आदि अनादि देव है। बोले वो भगवान शिव के पुत्र जरूर हैं, लेकिन आदि अनादि हैं। भगवान शिव ने भी गणेश पुराण की कथा सुनी। अब आप चकित हो जाएंगे कि पिता का जन्म पहले होता है या पुत्र का, लेकिन भगवान विनायक ऐसे देव हैं वो आदि अनादि काल से जिनकी पूजा अग्रगण्य हो रही हो। तो इस कथा के मूल में प्रथम कथा जो आती है वो यही आती है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान विनायक कैसे बने, प्रथम पूजा के अधिकारी। क्या आप लोग भी प्रथम बनना चाहते हो? जीवन में आगे कौन नहीं चाहता कि हम आगे रहें? प्रथम पूज्य ना बन सके लेकिन अच्छे कार्यों में तो आगे रहें। परोपकार परमार्थ प्रवृत्ति में तो आगे रहें। कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा है, उस पुनीत कार्य में तो हम अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कई बार पुनीत कार्यों को कुछ ऐसे भी बंधु बांधव होते हैं जो उन पुनीत कार्यों में भी विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। और बाबा तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि प्रथम तो उन्हीं को प्रणाम है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि असज्जनों को भी प्रणाम। देव गुरु देवी देवता ये तो पूज्य हैं ही, लेकिन मैं प्रथम असज्जनों को भी प्रणाम करता हूं कि कहीं वो आकर के कोई दुर्जनता ना दिखा। इसलिए जीवन में ये लक्ष्य लेकर के चलना। आपके पास अर्थ हो ना हो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अर्थ होगा पैसा होगा तभी आप धर्म के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं। हाँ हम मानते हैं कि धर्म में भी अर्थ की महती आवश्यकता है, लेकिन यह आवश्यकता नहीं कि अर्थहीन व्यक्ति धर्मोपार्जन नहीं कर सकता। धर्म का उपार्जन हमारे जीवन में हमारी वैचारिकता से आता है। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, भगवान विनायक की अनुकंपा होती है, तो स्वयं धीरे धीरे व्यक्ति अग्रगण्य हो जाता है। कैसे अग्रगण्य हुए? शौनक जी महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान विनायक की प्रथम पूजा जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान ब्रह्मा
जो सृष्टि का पालन करते हैं भगवान विष्णु और जो सृष्टि का संहार करते हैं भगवान शिव, उन तीनों देवताओं से भी प्रथम पूजा भगवान विनायक की। हे सूत जी महाराज, उस प्रथम पूजा की कथा बताइए कि भगवान विनायक प्रथम पूजा के अधिकारी कैसे हुए। जैसे ही ये प्रश्न पूछा, सूत जी महाराज बोले कि सभी देवी देवताओं के मन में यही प्रश्न आया और वो स्वयं भगवान शिव के पास। सभी देवी देवता भगवान शिव के पास जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, हमारे मन में संशय है कि भगवान विनायक प्रथम पूज्य कैसे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रतियोगिता की जाए जिससे पता चले कि व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या है। कोई ऐसी प्रतियोगिता हो। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप सबकी इच्छा है तो पूरे भूमंडल के चक्कर परिक्रमा करके जो प्रथम यहां आएगा वो इस प्रतियोगिता का प्रथम लाभार्थी होगा और वो विजयी माना जाएगा। अनेक देवी देवता थे, उनमें कार्तिक भगवान भी थे, भगवान विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, और भी देवी देवता थे। सब देवी देवताओं के पास अपने अपने वाहन, अपने अपने वाहन। और आप सब जानते हैं भगवान विष्णु का वाहन कौन है? भगवान विष्णु का वाहन बताइए, आप लोग कथा सुनते रहते हैं। गरुड़ जी। भगवान शिव का वाहन, खैर वो तो प्रतियोगिता करा रहे थे, लेकिन नंदी भगवान। किसी के पास मयूर, किसी के पास, सबके पास बड़े बड़े वाहन जिससे अतिशीघ्र वो परिक्रमा करके आ जाए। भगवान विनायक के पास वाहन मूसक का। कौन सा वाहन था? चूहा मूसक। अब भगवान विनायक विचार में पड़ गए कि ये प्रतियोगिता, भाई अपने तो इस प्रतियोगिता से बैठ करके यही आनंद ले लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अपने पास वो सामर्थ्य नहीं है, ना अपने पास वो वाहन है कि पूरे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले पहुंच सके। मूसक जी तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। माता च पार्वती देवी, देखिए आप समर्पण देखिए। इस कथा का प्रारंभ का भगवान विनायक का समर्पण देखिए आप। माताश्च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवान विनायक ने कहा कि भाई परिक्रमा करनी है, स्वयं मां विराजी है और भगवान शिव विराजे हैं और जितने भी बंधु बांधव है वो सब मेरे बंधु बांधव है, और स्वदेशों भुवन प्रियम, जहां मैं रहता हूं वो मेरे ही तो भुवन है। माता पिता के चरणों में तीनों भुवन मान करके, अखिल विश्व को मान करके भगवान विनायक ने वही परिक्रमा कर ली। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि चो तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ये समर्पण होना चाहिए। और जैसे ही वो परिक्रमा की और देवता धीरे धीरे आ रहे हैं, भगवान विनायक ने परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम निवेदित किया।
सब देवता आए, भगवान कार्तिक भी पधारे, सब पधारे। बोले महाराज, बोले भगवान विनायक तो ये, गणेश जी तो यही बैठे। बोले भाई, ये सबसे पहले आ गए। सबसे पहले कहां से आ गए? हमारे पास मयूर, किसी के पास क्या, किसी के इतने बड़े बड़े वाहन, इनके पास मूषक ये का। बोले यही तो बात है कार्तिक जी, यही बात है। इसलिए बंधुओं, ये कथा हमें ये मार्गदर्शन देती है, जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई है तो माता और पिता है। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान विनायक ने माता पिता की परिक्रमा करके और आशीर्वाद के रूप में अग्रगण्य पूजा के वो अधिकारी बन गए। इसलिए इस कथा से, प्रथम कथा के प्रथम खंड से ही ये संकल्प लेकर के निकले कि हम माता पिता की आत्मा कभी नहीं दुखाएंगे।